अरमानों में रवानियां पहली दफा। अदिति के बारे में उसका कॉन्फिडेंस जो है एज एन इंडिविजुअल, वो मुझे सबसे ज्यादा इम्प्रेस करता है और सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि वो जो भी करती है अपना कन्विक्शन के साथ करती है और उसे पता रहता है कि वो क्या कर रही है। और यही चीज़ मुझे एक होप देता है कि जो एक कंपैटिबिलिटी है हम लोगों में, वो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और उसी चीज़ को आगे लेकर के जाए। जो मुझे सबसे ज़्यादा इनके बारे में पसंद है वो शायद He tries to understand everything. बहुत ही calmly हर चीज़ सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। He puts himself in your shoes. और जज नहीं करते हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं। And I think that's the best thing when he tries to understand. And that's why we click. And apart from that, इनकी फैमिली भी मुझे इक्वली बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली भाभी। जो कम्फर्ट जोन मुझे उनके साथ मिलता है, इज लाइक I don't miss my family here, and I'm hopeful ki it's such a great and loving and you know comforting family. Mujhe acha lagega yahan pe. I love it. Kabhi dard si, kabhi zard si, zindagi pe naam thi. Kahi chahte hui meherban, haath badh ke thaam thi. Ek wo nazar, ek wo nigaah, rooh mein shaamil is tarah ban gaya afsana. Ek baat se जो वो जरूरत हो गए, तकदीर के कुछ फैसले जो गनीमत हो गए. बदला हुआ हर पल है, रहती खुमारी हर जगह. प्यार था अनजाना, हुआ साथ में पहली दफा. Let's
साथ यूं ही रहना ओ सोनिए हर जिंद मेरी बन रहना होठा दिया लालियां कन्ना दिया वालियां कुछ ता है कहंदी सुन तालू मैं मेरे अपने तेरे ही अब से तेरे सपने मेरे तू कदम हो रास्ता बन मैं ओ मेरी सुनिए वे रूठने से पहले प्यार से मैं तुझको मना लूं तेरा मेरा साथ यूं ही रहना हर जिंद आवे मेरी रहना ओ सोनी बिन तेरे जिया वित माहिया जीवे रू जान बिना दिल मेरा कहंदा है हर पल रहेगी साथ तू बन मेरा साया उल्लास है आज के दिन खुशी है कि प्रभु ने सारा काम हमारे जितने अकेजन्स थे प्रभु की कृपा से मेरे माता पिताजी के आशीर्वाद से मेरे पूर्वजों के आशीर्वाद से और मेरे शहीद भाई अमीर त्रिपाठी की आत्मा जो हरदम मेरे साथ रहती है जो हरदम मुझे शक्ति देती है अंदर से उस शक्ति के कारण ये सारे ओकेजंस जो जो पिछले 10 दिनों से चल रहे थे अच्छी तरीके से संपन्न हो गए निर्विघ्न रूप से दिल की जो इच्छाएं थी मेरी मेरी पत्नी की मेरे छोटे भाई अभय की उसकी पत्नी कंचन की मेजर साहब की पत्नी मेरी छोटी बहू रंजना की शुभम की शादी के बारे में जिसकी जो कल्पनाएं थी जिसकी जो इच्छाएं थी सब भगवान ने पूरी की जो जिस तरीके से चाहता था उस तरीके से सबको करने का मौका मिला और सबने उस ढंग से किया पूरे हर्षोल्लास के साथ किया। मैं आज अपने इसको इंटरव्यू कह लो या हमारी दिल की भावनाओं को निकाल करके और लोगों तक पहुंचाने का माध्यम मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जितना उल्लास और खुशी मेरे मेरे परिवार के अंदर था उतने ही हंसी खुशी और उल्लास हमारे मित्रों दोस्तों रिश्तेदारों सबके अंदर था और सबके अंदर वही जज्बात था कि शुभम की शादी को जश्न को अच्छी तरीके से मनाया जाए तो सबके अंदर का जज्बात काम आया और प्रभु की कृपा अपरंपार रही। भगवान भोलेनाथ ने इस विवाह के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न किया है। हम एक बार पुनः उनको हाथ जोड़ते हैं और इस आनंद के अवसर पर मेरे समझ फिलहाल अभी तो और कुछ कहने को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहूँ। बस इतना जरूर आशीर्वाद दूंगा आज के दिन अदिति को और शुभम को कि अपने जीवन की गाड़ी को खूब अच्छी तरीके से चलाएं और
अपनी सारी एनर्जी परिवार को एकजुट में रखने के लिए लगाएं और सदैव जीवन में ये कोशिश करें कि हम दोनों के किस कर्म से हमारे परिवार के लोग खुश रहेंगे, इस पे फोकस करें, जिंदगी अपने आप सफल हो जाएगी। आज के दिन उन दोनों को ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।